स्टूडेंट्स, टॉपिक हम कवर कर रहे हैं लेंथ ऑफ कर्व्स, यानी कि रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम आज और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। हमें कर्व दिया हुआ है और ये फाइंड कराना चाह रहे हैं होल लेंथ, यानी टोटल लेंथ ऑफ द कर्व। ओके, तो अब हम यहाँ ये देखें कि जो हमारा कर्व है वो दूसरी फॉर्म का है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म का है। पैरामेट्रिक फॉर्म होती है एक्स और टी, वाई और टी की टर्म्स में। अभी तक हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए पिछली वीडियोस में, वो कार्टेशियन फॉर्म थी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? जिस कर्व की इक्वेशन x और y की टर्म्स में होती है वो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती है, और जो यहां हम देख रहे हैं ये फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अगर कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला दूसरा होगा, वो हम यहीं बता देंगे आपको क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्यूशन इसका, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, जो हमें गिवन है वो हमने लिखा, इसके डिफरेंशियल कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी, dx अपॉन dt कर सकते हैं आप सिंपल, a 3 cos स्क्वायर t और cos का माइनस साइन t, साइन t ये माइनस ये, dy अपॉन dt इसका होगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, डिफरेंशियल एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल आपको आता ही होगा। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट है वो समझने का है कि हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। ओके, टी के लिए क्या लिमिट होगी? देखिए, ये जो कर्व है ये, इसकी फिगर ये इस टाइप से होगी, ये एस्ट्रॉइड होता है। तो एस्ट्रॉइड की जो कर्व की जो फिगर होती है वो इस टाइप से होती है, एक काइट टाइप होती है। ओके, तो अब यहाँ देखें, अगर हम t इक्वल टू जीरो लिखें, ध्यान देना, तो क्या होगा, x इक्वल टू कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, यानी x की वैल्यू a, तो इसका x कोऑर्डिनेट a हो गया, और टी यहाँ जीरो लिखे हैं तो साइन जीरो जीरो होता है, तो वाई जीरो हो गया। तो ये आप जानते ही होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, तो ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गई ए कॉमा जीरो। ओके, अब हम पाई बाई टू पर देखें, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ हम पाई बाई टू लिखें तो कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। और वाई, सॉरी, टी इक्वल टू पाई बाई टू, इसमें लिखें वाई की वैल्यू में साइन पाई बाई टू वन होता है, तो वाई ए हो गया। इट मीन्स जो कर्व है टी इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू के बीच में, वो ये कर्व है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें लिमिट यूज करनी होगी जीरो टू पाई बाई टू। ओके, हमने लिखा भी है यहाँ, टी वेरीज फ्रॉम ए जीरो टू पाई बाई टू फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ निकालने के लिए लिमिट होगी जीरो टू पाई बाई टू। अब चूंकि ये चार पार्ट हैं इसके, तो फोर टाइम्स कर देंगे, फोर की मल्टीप्लाई। देखिए, द होल लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू फोर, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। फोर किस लिए? क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में है।
जीरो टू पाई बाई टू, ये है फॉर्मूला, अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर डी टी। तो जब भी कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, यानी कि एक्स और टी, वाई और टी, या एक्स और थीटा, वाई और थीटा, ये भी हो सकता है। तो जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी तब फॉर्मूला लेंथ निकालने का, जो कि हम जिसको एस से डिनोट करते हैं, वो ये होगा। और एक्स और वाई वाला था 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सेकेंड फार्मूला। तो जो हमने डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ डिफरेंशियल्स जो निकाले हैं वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। ओके, तो क्या करें, इसका होल स्क्वायर ये हो गया, इसका होल स्क्वायर ये हो गया, फिर इसमें से कॉमन लिया हमने कितना, 9a² और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये 9a² कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा इनका, 9a² का 3a, कॉस स्क्वायर का कॉस, साइन स्क्वायर का साइन, यहाँ क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी, ये 1 होता है, ये रह गया 3a की मल्टीप्लाई इधर होकर 12 बाहर, ये साइन टी कॉस टी। ट्वेल्व ए जीरो टू पाई बाई टू, साइन टी कॉस टी के लिए 2 से मल्टी डिवाइड करने, इस पर साइन 2t का फार्मूला बन गया, डिवाइड बाई 2, 2 से 12a डिवाइड 6 ए जीरो टू पाई बाई टू साइन 2t डी टी, इसका इंटीग्रल माइनस कॉस टी अपॉन 2, लिमिट अप्लाई की माइनस का कॉस पाई प्लस का कॉस 0, जानते ही आप, पहले पाई बाई टू लिखेंगे टी की जगह पर, फिर माइनस लगाएंगे और फिर 0, माइनस लगाएंगे तो ये माइनस है इसलिए प्लस, और ये वाला माइनस। कॉस पाई कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस 1, कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल 6 है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जो कर्व हम ले रहे हैं वो पोलर फॉर्म में ले रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, थर्ड फॉर्म है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हम कैसे पहचानते हैं, कैसे देखेंगे, आप जानते ही होंगे वैसे तो, आर और थीटा के पदों में जो इक्वेशन होती है वो पोलर फॉर्म में कहलाती है, आर और थीटा। ओके, तो क्या कहा है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ कार्डाइड दिस, तो पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ कर्व, आर इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी a1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन 1 दिया हमने, ये कर्व हमें गिवेन है, इसका डिफरेंशियल किया a cos का माइनस साइन इसलिए प्लस a sin थीटा, 1 का डिफरेंशियल 0, तो ये डिफरेंशियल कर लिया। अब हम इसकी फिगर बना लें और लिमिट निकालनी है इसकी, फिगर भी ज़रूरत है। ओके, देखिए इसका फॉर्मूला भी हम यहाँ बता देंगे, फार्मूला भी अलग होता है। तो अगर हम इसमें आर इज इक्वल टू 0 लिखें, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 लिखें, क्योंकि ये लाइन थीटा 0 के लिए है, तो cos 0 1, तो 1 माइनस cos 0 1 माइनस 1 0, यानी आर की वैल्यू 0, तो यहाँ रहेगा पॉइंट। अगर हम ये हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दी, पाई बाई टू लिखे थीटा पाई बाई टू, cos पाई बाई टू 0 होता है, 1 माइनस आर इक्वल टू ए, ये ए होगा। अब हम पाई लिखें इसमें, पाई वही यहाँ आप जानते ही होंगे, ये थीटा 0 होता है, ये पाई बाई टू, यह पाई, पाई लिखेंगे कॉस पाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 2a, तो ये 2a होगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है वो 2a है, यहाँ पर a है ये वाली, तो a लिखा है, और ये थीटा होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है r और थीटा, r ये है थीटा ये है, यहाँ पर r और थीटा दोनों 0 है, यहाँ पर r 2a हो गया क्योंकि 2a आया, ये पाई। यहाँ आप देख रहे हैं कि अपर हाफ के लिए लिमिट 0 टू पाई है, पहली लिमिट 0 फिर पाई, हमने लिखा थीटा वेरीज 0 टू पाई फॉर अपर हाफ कार्डाइड, ये कार्डाइड की कर्व होती है पान की तरह। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर यानी कि लेंथ 2 क्यों लगाया, क्योंकि अपर हाफ के लिए लिमिट है 0 टू पाई, तो ये आधा नीचे डबल हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई अंडर रूट, ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, तीन फार्मूले हो गए हमारे पास। लेंथ निकाल लीजिए, एक्स और वाई वाला, और वो हमने अभी किया पैरामेट्रिक वाला, और ये पोलर फॉर्म वाला।
तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और वही वैसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए 0 to π हम r की वैल्यू लिखें ये कर्व से, और dr अपॉन डी थीटा, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ फार्मूले में यूज कर दें। टू 0 to π हमें ए कॉमन ले लिया, अंडर रूट से बाहर, ए स्क्वायर था अंडर रूट, और 1 cos θ का होल स्क्वायर खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया, प्लस sin²θ। तो cos²θ प्लस sin²θ 1 होता है, और 1 और 1 ये 2 हो गया, -2 cos θ, ये √2 कॉमन, यहाँ रह गया 1 cos θ। देखिए 1 cos θ को हम लिख सकते हैं 2 sin²θ/2 इस फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। √2 फिर कॉमन, ये रहेगा sin θ/2, स्क्वायर से √ कैंसिल, ये √2 मल्टीप्लाई होकर 4 ही आता है। sin θ/2 का इंटीग्रल कितना होता है -cos θ/2 अपॉन 1/2 0 to π, ये 1/2 2 हो गया, ऊपर आकर लिमिट लगाइए -cos π/2 प्लस cos 0, cos π/2 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 + 1 यानी कि 1, 8a³ में मल्टीप्लाई 8a। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हुआ, जो पैरामीटर कहा था कार्डियक का, वो 8a होता है।